गुड इवनिंग एवरीवन, फर्स्ट विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। दिवाली सेलिब्रेशन के साथ ज़रूरी है थोड़ी स्टडीज़, क्योंकि सेलिब्रेशन करना अपना पार्ट है, लेकिन सेलेक्शन लेना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है। क्योंकि जो सेलेक्शन का फ्लेवर है ना, उसके साथ में दिवाली मनाने का अलग ही मज़ा होने वाला है। लाइक जिस दिन आप फाइनली सेलेक्ट हो जाएंगे, एक ऑफिसर बन जाएंगे, उस दिन के बाद में हर दिन दिवाली होने वाला है। सो चलिए शुरुआत कर देते हैं आज के इस धमाकेदार से सेशन की। आज आपके लिए मैंने रखा हुआ है वो केव स्पेशल सेशन। बिल्कुल आज के इस पर्टिकुलर सेशन में कुछ प्यारे से एग्ज़ाम ओरिएंटेड वोकेब्स पे बात करेंगे, जो इमेज फॉर्म में भी होंगे और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के फॉर्म में भी आज के वोकैब्स होने वाले हैं। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए आज के इस धमाकेदार से सेशन के लिए, और देखते हैं आज का ये सेशन हमारी नॉलेज में क्या ऐड ऑन करने वाला है। आज के सेशन के बेस पे हम क्या खास धमाकेदार और एग्जाम ओरिएंटेड जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ मोमेंट शुरुआत कर देते हैं आज के इस प्यारे से एग्जाम ओरिएंटेड सेशन की। सबसे पहले पर्दे खुल रहे हैं और वो के बेस्ड ऑन इमेजेस। इमेजेस की फॉर्म में हम कुछ प्यारे सी एग्जाम ओरिएंटेड वोकैब्स पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो सभी रेडी हैं? सभी रेडी हैं, शुरू करें। चल तो शुरुआत कर देते हैं फर्स्ट सेक्शन के साथ। पहला जो वर्ड है हमारा, कई बार आया है एग्जाम में और काफी परेशान करता है, पर्डिशन। पर्डिशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है सबसे पहले समझ लेंगे। पर्डिशन का मतलब होता है सर्वनाश, मतलब हेल, कंप्लीट एंड अटर रुइन से रिलेट करेगा पर्डिशन, मतलब विनाश या तबाही को रिलेट करेगा पर्डिशन। PERDITION, पर्डिशन दिमाग में रखना, विनाश या तबाही की बात करेगा। अब ब्रियोन हो गया, सफरिंग हो गया, अंडरवर्ल्ड हो गया, ये सब इसके सैनोनिम्स हो जाएंगे। If I am talking about its antonym, that is called renovation, health, ये सब इसके antonyms की category में आ जाएंगे। अगला word है हमारा truculent। Truculent means the rock जी को देख रहे हैं ना, like लड़ाकू इंसान, वैसे आप relate कर सकते हैं truculent को। तो truculent का मतलब होता है उग्र या लड़ाकू, इसको हम truculent से relate कर सकते हैं। सैनोनिम्स की बात करें तो अग्रेसिव हो गया, बबेरियस हो गया, बेलिकोस हो गया, ये सब मीनिंग होता है झगड़ालू, मतलब झगड़ालू से रिलेट करेगा, एग्रेसिव, बबेरियस, बेलिकोस। और अगर मैं एंटोनिम्स की बात करूं तो कोऑपरेटिव, जेंटल, माइल्ड, शांत से आप रिलेट कर सकते हैं किसको, इसके अपोजिट वर्ड्स को। दिमाग में रखना ट्रुकुलेंट वर्ड को, TRUCULENT। ट्रुकुलेंट का मीनिंग क्या होता है, लड़ाकू, जो इंक्लाइन टू फाइट से आप रिलेट कर सकते हैं, जो झगड़े के लिए हमेशा तैयार रहता है। आप अपने किसी फ्रेंड को भी रिलेट कर सकते हैं जो झगड़े के लिए हमेशा बिल्कुल एवर रेडी रहता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड ट्रुकुलेंट, लड़ाकू। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। हर्ली बर्ली, हर्ली बर्ली का मतलब होता है हड़बड़ी, खलबली, लाइक दैट। हर्ली बर्ली हड़बड़ी या खलबली से रिलेट करता है हर्ली बर्ली। और हर्ली बर्ली की अगर हम बात करें तो, अब हर्ली बर्ली को अगर मैं रिलेट करूं तो यहाँ पे हड़बड़ी, खलबली या जल्दबाजी में कुछ ऐसे रिलेट करेगा हर्ली बर्ली। तो कन्फ्यूजन, टमर्ट, टर्बुलेंस, ये सब इसके सैनोनिम्स हो जाएंगे। एंड गोइंग टू इट्स एंटोनिम, काम, ऑर्डर, ये सब एंटोनिम्स की कैटेगरी में आ जाएंगे इस पर्टिकुलर वर्ड के लिए, इट्स पर्टिकुलर फ्रीज ओरिएंटेड वर्ड के लिए, दैट इज नोन एज हर्ली बर्ली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला वर्ड है इम्पास। इम्पास बड़ा प्यारा वर्ड है, IMPASSE। इम्पास का मतलब होता है गतिरोध, गतिरोध, ये गतिरोध लिखा है ध्यान देना, गतिरोध, गतिरोध, बंद गली, लाइक कोई भी चीज जो लाइक इम्पास, रीच्ड एन इम्पास ऑन द नेगोशिएशन, लाइक जो डिस्कशन हो रहा था उसके इम्पास पे पहुंच गए, गतिरोध पे पहुंच गए, चीज़ें फाइनल नहीं हो पा रही हैं, लाइक दैट। तो गतिरोध, बंद गली से भी आप रिलेट कर सकते हैं इसको। तो सैनोनिम्स हो जाएंगे डेडलॉक, डायलेमा, स्टैंड स्टिल, ये सब इसके सैनोनिम्स की कैटेगरी में आ जाएंगे, ये सब इसके सैनोनिम्स की कैटेगरी में आ जाएंगे आपके, डेडलॉक, डायलेमा, स्टैंड स्टिल।
और अगर मैं एंटोनिम्स की बात करूं तो सॉल्यूशन, एग्रीमेंट, ये सब इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। आगे अगर हम देखें तो बिफ्यूडल, बिफ्यूडल का मतलब होता है संभ्रमित, मतलब कंफ्यूज्ड। जैसे प्रीति जंटा जी आपको दिख रही हैं, इनकी शक्ल से ही लग रहा है कि ये कंफ्यूज्ड हैं पूरी तरह से, बिफ्यूडल हैं। मदहोश हो जाना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड, स्वयं को मूर्ख बनाना, संभ्रमित। तो कंफ्यूज्ड से रिलेट कर सकते हैं। कभी कभी हम खुद को ही कंफ्यूज कर रहे होते हैं, लाइक आज नहीं कल पढ़ेंगे, कल से सुबह 5 बजे उठ के पढ़ेंगे, 4 बजे उठ के पढ़ेंगे, लाइक बिफ्यूडल को ऐसे भी आप रिलेट कर सकते हैं, संभ्रमित, खुद ही कंफ्यूज्ड, खुद ही एक्सक्यूज दे दे के अपने आप की परेशानी का कारण बन रहा है। तो स्वयं को मूर्ख बनाना, संभ्रमित, ये सब इसके ये मीनिंग होगा इसका। सैनोनिम्स की बात करें तो बफिल हो गया, बेविल्डर हो गया, डिस्ट्रैक्ट हो गया, ये सब इसके सैनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो क्लैरिफाई, क्लियर अप, एनलाइटन, ये सब इसके एंटोनिम्स की कैटेगरी में आ जाएंगे, अपोजिट वर्ड्स हो जाएंगे। ठीक है, तो बिफ्यूडल का मतलब क्या बोला मैंने, संभ्रमित, कंफ्यूज्ड से आप इसे एसोसिएट कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। डॉयन, डी ओ वाई ई एन, डॉयन, डॉयन वर्ड को रिलेट करें तो इसका मतलब होता है लाइक वरिष्ठ एवं प्रतिष्ठित सदस्य। लाइक किसी भी फील्ड में कोई पर्सन जो काफ़ी वरिष्ठ है, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रख रहा है, सीनियर है, दैट इज़ कॉल्ड डॉयन। ठीक है, डॉयन को अगर मैं रिलेट करूँ, वरिष्ठ एवं प्रतिष्ठित सदस्य, मतलब किसी भी, लिखा है ना वरिष्ठ एवं प्रतिष्ठित सदस्य, लाइक किसी भी फील्ड में जो प्रोमिनेंट है, काफ़ी ज़्यादा लाइक फेमस है, प्रसिद्ध है, कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। सैनोनिम्स की बात करूँ तो चीफ, कमांडर, डायरेक्टर, हेड, ये सब इसके सैनोनिम्स हो जाएंगे। गोइंग टू इट्स एंटोनिम, लाइक एम्प्लॉय, फॉलोअर, एंटोनिम की कैटेगरी में आ जाएंगे इसके। ठीक है, सेम एज इडियम्स एंड फ्रेजेस बेस्ड ऑन इमेजेस। अब इमेज की फॉर्म में कुछ इडियम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस पे बात होगी हमारी, देख लेते हैं इमेज की फॉर्म में भाई किस तरह की इडियम्स मिलते हैं और कैसे उन्हें लाइक अप्रोच करना है हमें, दैट इज़ द मेजर थिंग। तो अब यहाँ से अगर हम देखें इडियम्स की बात करें तो किक द बकेट, बकेट को क्या करना, किक करना। तो किक द बकेट का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, किक द बकेट का मतलब होता है टू डाई, एक्सपायर हो जाना, मर जाना, लाइक दैट। इसका कोई गेम से रिलेशन नहीं है, ध्यान देना, गेम से कोई रिलेशन नहीं है। किक द बकेट का मीनिंग क्या हो गया, टू डाई। लाइक द फ्रेज ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द नोशन दैट पीपल हैंग्ड देमसेल्व्स बाय स्टैंडिंग ऑन अ बकेट विद अ नूज अराउंड देयर नेक एंड देन किकिंग द बकेट। अब ये ऑरिजिन कहाँ से हुआ कि लाइक जो सुसाइड कर रहे हैं लोग, उनसे रिलेट किया ये वर्ड कि लोग बकेट पे खड़े हुए, गले में फंदा लगाया और बकेट को किक कर दिया और एक्सपायर हो गए, मर गए, लाइक दैट। तो यहाँ से ये ओरिजिन हुआ है इस पर्टिकुलर इडियम का। ठीक है, जो काफ़ी डेंजरस सा दिखता है। ठीक है, तो किक द बकेट आया कहाँ से, समझ रहे हो कितना खतरनाक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, अपने सारे एग्स को वन बास्केट में मत रखो, लाइक। अब इसका मीनिंग क्या होगा जरा बताओ, चैट बॉक्स, सभी के पास सामने चैट बॉक्स है। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, मतलब अपने सारे एग्स को वन बास्केट में मत रखो, एक बास्केट में मत रखो, क्या सेंस होगा इसका, बोलो फटाफट, क्या सेंस होने वाला है इस स्ट्रक्चर का, सभी को बताना है चैट बॉक्स में। आप सीधे सीधे इसको रिलेट कर सकते हैं, डोंट डेडिकेट ऑल योर रिसोर्सेज इनटू वन थिंग, मतलब अपने सारे रिसोर्सेज को एक जगह मत लगाओ। जैसे वॉरेन बफेट जी का कहना है कि लाइक वॉरेन बफेट अपने सारे स्टॉक्स को अलग अलग, लाइक अपना जो पैसा लगाते हैं अलग अलग तरह के स्टॉक्स में लगाते हैं, लाइक इनका ये मानना है कोई एक स्टॉक अगर गिरेगा तो दूसरा बढ़ेगा भी, लाइक दैट। तो ये मल्टीपल बिजनेस की, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम की सलाह देते हैं हमेशा हर इंसान को। सो आई थिंक सभी को क्लियर हो गया ये। चलो आगे बढ़ जाते हैं।
स्ट्रेट फ्रॉम दी हॉर्सेज माउथ, स्ट्रेट फ्रॉम दी हॉर्सेज माउथ, कोई इंफॉर्मेशन आ रही है कहाँ से, स्ट्रेट फ्रॉम दी हॉर्सेज माउथ, सीधे स्ट्रेट हॉर्स के माउथ से आ रही है, इट मीन्स वॉट, कैसे एसोसिएट करोगे हॉर्स के माउथ से आ रही है, मतलब कहना क्या चाहता है स्ट्रक्चर, स्ट्रेट फ्रॉम हॉर्सेज माउथ का जो मीनिंग होता है दैट इज वॉट, ऑफ इंफॉर्मेशन, बेसिकली इंफॉर्मेशन के लिए यूज होता है, फ्रॉम द पीपल डायरेक्टली कनेक्टर कनेक्ट कंसर्न्ड और अनदर अथॉरिटेटिव सोर्स लाइक द हॉर्सेज टीथ. अब देखो फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ का मतलब एक्चुअल में होता है एक ऐसे पर्सन से कोई इंफॉर्मेशन आ रही है जो डायरेक्टली कंसर्न्ड है किसी दूसरे अथॉरिटेटिव सोर्स के साथ में, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट फ्रॉम हॉर्सेज माउथ. या फिर जैसे कंपनी के सीईओ बता रहे हैं कि हम ये लॉन्च करने वाले हैं, ये चीज आने वाली है, लाइक दैट, तो स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ. समझ गए ना मेरी बात मैं क्या कह रहा हूं. तो अब हॉर्स ये आया कहां से, एडियम देखो इसका ओरिजिन क्या हुआ. हॉर्स के टीथ, हॉर्सेज टीथ कैन टेल यू द हॉर्सेज एज एंड द हेल्थ ऑफ द हॉर्स. द स्मार्ट हॉर्स ट्रेडर और बायर कुड गेट ऑल द इंफॉर्मेशन ही नीडेड फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ. अब हॉर्स के माउथ से, उसके टीथ से अंदाजा लगाया जा सकता है उसकी एज का, उसकी हेल्थ का एंड ऑल द थिंग्स. ठीक है, तो स्मार्ट बायर जो है वो पूरी तरह से पूरा अंदाजा लगा सकता है हॉर्स के टीथ से, पूरी उसकी हेल्थ का, उसकी कंडीशन का पूरी तरह से पता लगा सकता है. तो स्ट्रेट फ्रॉम हॉर्सेज माउथ का मीनिंग क्या हो गया कि जो अथॉरिटेटिव सोर्स से इंफॉर्मेशन आ रही है, जो बेस से आ रही है, जैसे कि अगर कोई हॉर्स बेचने जा रहा है अपना, तो वो प्रॉब्लम के बारे में नहीं बताएगा ना. लाइक कोई भी बंदा अगर किसी चीज़ को बेच रहा है तो वो उसकी मेजर प्रॉब्लम के बारे में नहीं बताएगा वो क्यों बेच रहा है, वो कोई और बहाने बनाएगा, लाइक दैट. लेकिन फ्रॉम हॉर्सेज माउथ का मीनिंग क्या हो गया यहाँ पे, कि हॉर्स अगर कोई बेचने गया तो हॉर्स के माउथ से ही पता चल जाएगी सारी इन्फॉर्मेशन हॉर्स के बारे में. सेम कंडीशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन जो अथॉरिटेटिव सोर्स से आ रही है, जैसे कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर या मेन जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, वो आपको कोई इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं कि अब ये चीज़ लॉन्च होने वाली है, तो दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रेट फ्रॉम हॉर्सेज माउथ. आई थिंक सभी को क्लियर हो गया जो मैं कह रहा हूँ. चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. अगला पॉइंट क्या है, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड. बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, इसका जो मीनिंग होता है दैट इज टू रिटर्न टू द प्लानिंग स्टेज सो दैट अ फेल्ड प्रोजेक्ट कैन बी प्लान्ड अगेन. मतलब दोबारा रिटर्न होके प्लानिंग स्टेज पे आ जाना, जिससे कि सो दैट अ फेल्ड प्रोजेक्ट कैन बी प्लान्ड अगेन, कि जो फेल्ड प्रोजेक्ट है उसको दोबारा प्लान किया जा सके, लाइक दैट. तो बैक टू दी ड्राइंग बोर्ड, लाइक प्रैक्टिकल सी बात ये है कि आपने किसी प्लान का एग्जीक्यूशन किया, सपोज आपने किसी पर्टिकुलर प्लान का एग्जीक्यूशन किया लेकिन वो प्लान फेल हो गया आपका, लाइक जैसा आपने सोचा था वैसा आपको रिजल्ट नहीं मिला या रिजल्ट नहीं ही मिला, फेल हो गया. तो बैक टू ड्राइंग बोर्ड का मीनिंग क्या होता है, दोबारा से लाइक डेवलपमेंट स्टेज में आ जाना किसी चीज़ का, दोबारा से बेसिक्स से शुरुआत करना, दैट इज कॉल्ड बैक टू ड्राइंग बोर्ड. मतलब कि तुरंत दोबारा से लौट के इनिशियल फेज में आ जाना, इनिशियल कंडीशन में आ जाना, जहां से शुरुआत की थी वहीं पे फिर से आ जाना, दैट इज कॉल्ड बैक टू ड्राइंग बोर्ड. टू रिटर्न टू द प्लानिंग स्टेज सो दैट अ फेल्ड प्रोजेक्ट कैन बी प्लान्ड अगेन, दैट इज द मेजर वन. आगे बढ़ जाते हैं, ऑल इन द सेम बोट. अब यहां पे अगर मैं देखूं ऑल इन द सेम बोट, इस idiom का हमें मीनिंग बताना है क्या होगा. ऑल इन द सेम बोट को हम रिलेट कर सकते हैं जस्ट लाइक फ्रॉम कोविड एज वेल. अब कोविड के दौरान क्या था, हम सभी सेम बोट में थे, सेम तरह की हार्श सिचुएशन में फंसे हुए थे, लाइक दैट. टू बी इन द सेम अनप्लीजेंट सिचुएशन एज अदर पीपल, मतलब सेम अनप्लीजेंट सिचुएशन में सभी का होना, जैसे दूसरे लोग हैं वैसे ही हम भी हैं, लाइक दैट. सो यहाँ पे अगर हम देखें टू बी इन द सेम अनप्लीजेंट सिचुएशन एंड एज अदर पीपल, दैट इज कॉल्ड
ऑल इन द सेम बोट. ऑल इन द सेम बोट का मीनिंग क्या हो गया, सेम अनप्लेजेंट सिचुएशन में सभी का ट्रैप हो जाना, फंस जाना, सेम प्रॉब्लम में फंस जाना, लाइक दैट. चलिए अब कुछ idioms फ्रूट से रिलेटेड, बड़े प्यारे प्यारे से idiom है फ्रूट से रिलेटेड. फ्रूट्स को देख के मुंह में पानी तो नहीं आ रहा ना. चलो देखो एक बार idiom क्या है. द एप्पल ऑफ योर आई. अब इफ समवन इज एप्पल ऑफ योर आई मीन्स व्हाट, द पर्सन हु यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ. मतलब एक पर्सन जिसे आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं. लाइक शी हैज थ्री चिल्ड्रन, उसके तीन बच्चे हैं, बट हर यंगेस्ट सन इज द एप्पल ऑफ हर आई. लेकिन उसका जो यंगेस्ट सन है ना, वो उसकी आंख का बिल्कुल तारा है. लाइक दैट एप्पल ऑफ हर आई. लेकिन जैसे कोई किसी की आंख का तारा है, दैट इज कॉल्ड एप्पल ऑफ वन्स आई. गो बनानास. गो बनानास. अब गो बनानास को मैं रिलेट करूं, गो बनानास मीन्स क्या होता है, इसका पॉजिटिव मीनिंग नहीं है, टू बिकम वेरी एंग्री, क्रेजी और अनॉयड. लाइक अगर कोई पर्सन बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया है, बहुत ज्यादा एंग्री है, बहुत ज्यादा अनॉयड है, उसको हम गो बनानास से रिलेट करेंगे. सो टू बिकम वेरी एंग्री, क्रेजी और अनॉयड, दैट इज कॉल्ड गो बनानास. शी विल गो बनानास इफ शी सीज द हाउस इन दिस डर्टी कंडीशन. लाइक वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाएगी, बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाएगी अगर उसने घर को ऐसी कंडीशन में देख लिया ना, तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएगी. दैट इज़ कॉल्ड गो बनानास. गो बनानास मतलब कोई भी लाइक बहुत ही ज़्यादा एंग्री हो गया, बहुत ही ज़्यादा क्रेजी अनॉयड है कोई पर्सन, ऐसे रिलेट कर सकते हैं गो बनानास को. अ बाइट एट द चेरी. चेरी पे एक बाइट. ऐसे जनरली अगर हम देखें तो चेरी पे बाइट करना मतलब चेरी खाना, कुछ ऐसे रिलेट करेगा. लेकिन एन अपॉर्चुनिटी टू अचीव समथिंग, मतलब कोई भी अपॉर्चुनिटी कुछ अचीव करने के लिए, दैट इज कॉल्ड अ बाइट एट द चेरी. अ बाइट एट द चेरी. एन अपॉर्चुनिटी टू अचीव समथिंग, दैट इज कॉल्ड अ बाइट एट अ चेरी, एट द चेरी. लाइक ही डेफिनेटली वॉन्ट्स अ बाइट एट अ चेरी. अब ये पूरा कंप्लीट नहीं है. बाइट At the cherry. Like उसको एक अपॉर्चुनिटी चाहिए डेफिनेटली, अपने आप को प्रूव करने के लिए, जो भी लाइक वो करना चाहता है लाइफ में वो करने के लिए. लाइक दैट. अ प्लम जॉब. प्लम जॉब का मतलब होता है लाइक वेरी गुड जॉब. वेरी गुड जॉब मतलब क्या हो गया कि लाइक वर्क कम है, पेमेंट हाई है, पे हाई है, लाइक दैट. ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं. या फिर कोई भी ऐसा वर्क जो किसी की पसंद का है, किसी के इंटरेस्ट का है, दैट इज प्लम जॉब फॉर हिम एज वेल. ठीक है, जैसे किसी को टीचिंग पसंद है और वो टीचिंग कर रहा है, तो वो टीचिंग भी भले ही मेहनत का काम हो, लेकिन उसके लिए क्या है, उस पर्सन के लिए प्लम जॉब है. लाइक दैट. सो ही गॉट अ प्लम जॉब इन एन इंश्योरेंस कंपनी. लाइक उसको एक अच्छा जॉब मिल गया है एक इंश्योरेंस कंपनी में. तो प्लम जॉब का मतलब प्लम नहीं है. गो बनानास में बनाना का कहीं कोई लेना देना नहीं है. एप्पल ऑफ योर आई में एप्पल का कोई लेना देना नहीं है. बाइट एट द चेरी में चेरी का कोई लेना देना नहीं है. चेरी, एप्पल, बनानास, प्लम, ये सब यूज हुए हैं, लेकिन इनका मीनिंग कॉन्टेक्चुअली अलग है. इनका मीनिंग कॉन्टेक्चुअली अलग है, ध्यान देना इस चीज पे. ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. एज हंग्री एज बियर. एज हंग्री एज बियर. एज हंग्री एज बियर. इस एज को उठा के पहले रख दो. एज हंग्री एज बियर. सो एज हंग्री एज अ बियर का मतलब क्या होता है, लाइक वेरी हंग्री. Like, अगर मैं इसको देखूं, as hungry as beer, तो as a beer ये होगा आपका idiom. As hungry as a beer मतलब very hungry. Like, मदर ने कहा खाना खाओगे, भूख लगी है, आपने बोला of course I am as hungry as a beer. Like, मैं बहुत ज़्यादा ही भूखा हूँ, पेट में बिल्कुल चूहे तांडव कर रहे हैं, कूद नहीं रहे हैं सिर्फ. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज हंग्री एज बियर.
सो वेरी हंग्री से रिलेट कर सकते हैं। मोहम्मद एट टू प्लेट्स ऑफ फ्राइड राइस बिकॉज ही वॉज एज हंग्री एज अ बियर। मतलब मोहम्मद ने क्या किया, टू प्लेट्स खा लिए फ्राइड राइस के, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही भूखा था। ऐसा लग रहा था कि मतलब हफ्तों से खाना ही नहीं खाया उसने, लाइक दैट। तो एज हंग्री एज बियर का मतलब क्या हो गया, वेरी हंग्री। एज हंग्री एज बियर का मतलब क्या हो गया, वेरी हंग्री या एक्सट्रीमली हंग्री से रिलेट कर सकते हैं इसको, ठीक है। चल आगे बढ़ जाते हैं। अ टफ कुकी, अ टफ कुकी। टफ कुकी का मतलब क्या होता है, समबडी हु इज स्ट्रांग एनफ टू डील विद डिफिकल्ट सिचुएशन। मतलब कोई पर्सन जो स्ट्रांग एनफ है, काफी ज्यादा सक्षम है किसी भी सिचुएशन से फाइट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड टफ कुकी। टफ कुकी मतलब क्या, कोई भी पर्सन, लाइक माई ग्रैंड मदर रेज्ड 6 किड्स ऑफ हर ओन। मतलब मेरी ग्रैंड मदर ने खुद से 6 किड्स को पाला। शी वॉज टफ कुकी, मतलब वो क्या है, टफ कुकी है। शी कैन ओवरकम एनी प्रॉब्लम इन लाइफ बिकॉज शी इज़ अ टफ कुकी। अब यहाँ पे दूसरा सेंटेंस है कि लाइक वो लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकती है, वो मतलब किसी फीमेल की बात हो रही है। बिकॉज शी इज़ अ टफ कुकी मतलब वो काफ़ी ज़्यादा लाइक साहसी इंसान है, लाइक दैट। शी इज़ अ फाइटर एंड अ सर्वाइवर, सॉरी ही इज़ अ फाइटर एंड अ सर्वाइवर। ये वो बंदा एक फाइटर है, एक सर्वाइवर है। इन अदर वर्ड्स अ टफ कुकी, इन अदर वर्ड्स ही इज़ अ टफ कुकी मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग पर्सन है, स्ट्रांग पर्सनैलिटी है। डोंट वरी अबाउट मी, आई एम अ टफ कुकी, आई विल बी फाइन। मतलब मेरी चिंता मत करो भाई, आई एम अ टफ कुकी, आई हैव द स्ट्रांग विल पावर एज वेल, आई विल बी फाइन, मैं ठीक हो जाऊंगा, लाइक दैट। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, टफ कुकी को हमें कैसे रिलेट करना है समझ आ गया, टफ कुकी को हमें कैसे रिलेट करना है समझ आ गया, डन। कई सारे एग्जाम्पल्स हैं टफ कुकी के, आसानी से एसोसिएट कर पा रहे हो गए। अगला वर्ड है अ पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक का मीनिंग क्या होता है बताओ जरा, जल्दी बताओ। क्वालिफाइंग एसएससी एग्जाम इज जस्ट लाइक अ पीस ऑफ केक, होगा ऐसा? कहेंगे ये क्या कह रहे हैं सर, ऐसा होता है क्या? यहां देखो हम एक साल से परेशान हैं, अभी तक हो ही नहीं रहा है। समथिंग वेरी इजी टू डू। अगर मैं आपको एक रियल बात बताऊं, अगर ट्रैक सही है तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई करना इज जस्ट लाइक अ पीस ऑफ केक, और अगर ट्रैक गलत है सो ये बन जाएगा अ हार्ड नट टू क्रैक। अ हार्ड नट टू क्रैक मीन्स क्या होता है, डिफिकल्ट टास्क। इजी और डिफिकल्ट में क्या डिफरेंस है, किस तरह का डिफरेंस समझते हो इजी और डिफिकल्ट में? बेसिकली इजी क्या है, जो आता है, डिफिकल्ट क्या है, जो नहीं आता है, यही ना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, हमारा ट्रैक सही है, हम प्रीवियस ईयर पेपर्स को फोकस करते हुए अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, हम अवेयर हैं उस पैटर्न से जो पैटर्न आ रहा है एग्जामिनेशन में, और उस बेस पे हम अपनी स्टडी कर रहे हैं, कैसे होगा कि हमारा एग्जाम क्लियर ना हो? सोच के देखो, हो पाएगा क्या ये? नहीं हो पाएगा, होगा ही होगा क्लियर एग्जाम। लेकिन अब हम ये सोच रहे हैं चलो एक क्लास देख लेते हैं, चलो फॉर्म डाल देते हैं, चलो एग्जाम दे देते हैं, ऐसे तो नहीं होगा ना। लाइक कुछ भी करने के लिए वी नीड टू फोकस ऑन व्हाट इट इज फर्स्ट, हमें समझना पड़ेगा जो हम करने जा रहे हैं वो है क्या, उसके बेसिक एस्पेक्ट्स क्या हैं, किन चीज़ों पे हमें वर्क करना है, वी नीड टू फोकस ऑन दैट। एक बार उन चीज़ों पे अगर हम फोकस कर लेते हैं तो हमारा रास्ता फिर आसान हो जाता है। लाइक मेहनत करने से ज़्यादा ज़रूरी है ये फाइंड आउट करना कि मेहनत करनी किस तरह से है, मतलब मेहनत करने का तरीका सबसे ज़्यादा मैटर करता है, हमेशा याद रखो। लाइक ये बिल्कुल ऐसा है कि एक पर्सन दीवार में एक कील लगाना चाहता है,
और वो पूरे दिन से मेहनत कर रहा है, कील को लगाने की कोशिश कर रहा है, कील को दीवार में लाइक ठोकने की कोशिश कर रहा है, स्टिक करने की कोशिश कर रहा है, उसके हाथों से ब्लड निकल रहा है, वो इतनी मेहनत कर रहा है, लाइक उसके पास हैमर नहीं है, वो हाथ से ही लगा हुआ है, उसने अपने आप को घायल कर लिया है, खून निकल रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन कील नहीं लग पाई। फिर कह रहा है कि मैंने तो इतनी मेहनत की, मैंने तो इतना ब्लड भी निकाल दिया अपना हाथ का, फिर भी कील नहीं लग पाई। भाई हैमर लेना था ना, हैमर तो लिए नहीं, टाइम पूरा बर्बाद कर दिया, रिसोर्स पूरे बर्बाद कर दिए, एनर्जी पूरी बर्बाद कर दी, अपना भी लॉस कर लिया, हैमर ले लेना चाहिए था ना। आर यू गेटिंग दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो पहले समझो इस चीज को कि कभी कभी हम लोगों के साथ ऐसा ही हो रहा होता है रियल लाइफ में भी, तो सही ट्रैक बहुत मैटर करेगा, उस पे चलोगे तो सिलेक्शन 6 मंथ से ज्यादा का प्रोजेक्ट है ही नहीं। चाहे आप SBI IBPS PO की बात करो, चाहे आप RBI ग्रेड बी की बात करो, चाहे आप SSC CGL की बात करो, चाहे CHSL स्टेनोग्राफर CPO, कोई भी एग्जाम, MTS कोई भी एग्जाम, 6 मंथ से ज़्यादा का टारगेट नहीं है, ये प्रोजेक्ट ही नहीं है 6 मंथ से ज़्यादा का, अगर आप सही डायरेक्शन में सही एफर्ट लगा रहे हो तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। लाइक अ डॉग विद टू टेल। अच्छा, इफ समवन इज जस्ट लाइक अ डॉग विद टू टेल्स मीन्स वॉट? आपने देखा होगा जब डॉग खुश होता है ना, कोई भी डॉग ही खुश होता है, उसकी टेल्स हिल रही होती है, पूंछ हिल रही होती है। अब अगर कोई बंदा ही इज जस्ट लाइक डॉग विद टू टेल्स, मतलब ये बुराई नहीं हो रही, तारीफ हो रही कि कोई पर्सन बहुत ज़्यादा खुश है, एक्सट्रीमली हैप्पी है बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर किसी को डॉग विद टू टेल्स बोलोगे तो नाराज़ जल्दी हो जाएगा, बंदा कहेगा क्या मुझे डॉग बोल दिया तुमने, लेकिन इसका मतलब एक्सट्रीमली हैप्पी होता है। हाँ, तो किसी को एकदम अचानक से सरकेस्टिक वे में बोलना हो या कुछ ऐसा, तो वहाँ पे यूज़ हो जाता है ज़्यादातर। ठीक है, तो डॉग विद टू टेल्स का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश होना, लाइक दैट, डॉग विद टू टेल्स। समझ आ गया ना, ये पॉइंट समझ आ गया? डॉग विद टू टेल्स एक्सट्रीमली हैप्पी से रिलेट करेगा ये। नेक्स्ट, लाइक टॉकिंग टू अ ब्रिक वॉल। अब किसी से बात करना बिल्कुल ऐसा है जैसे कि ब्रिक वॉल से, ईंट की दीवार से बात करना हो, तो ये क्या हो गया? यूज्ड फॉर सेइंग दैट समवन डज नॉट लिसन और रिएक्ट टू यू व्हेन यू टॉक। मतलब ये उस फीलिंग के लिए यूज होगा कि लाइक आप किसी से कुछ बोलते जा रहे हैं, वो कह रहे हैं हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, वो काम अपना कर रहा है, आप बोल रहे हैं कोई मतलब ही नहीं है, समझ गए ना? तो दिस इज जस्ट लाइक टॉकिंग टू अ ब्रिक वॉल। लाइक आई हैव ट्राइड टू डिस्कस माई फीलिंग्स विद हर, बट इट्स लाइक टॉकिंग टू अ ब्रिक वॉल। लाइक मैंने अपनी फीलिंग्स को डिस्कस करने की उससे कोशिश की, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा ही था जैसे पत्थर की दीवार से बात करने जैसा, लाइक उस पर कोई इफेक्ट ही नहीं है उस चीज़ का, ठीक है बोलते रहो, लाइक दैट। ठीक है, आई थिंक सभी को क्लियर हो गया यहाँ पे। टॉकिंग टू, लाइक टॉकिंग टू अ ब्रिक वॉल, आई थिंक रिलेट कर पा रहे होगे। टू बी अंडर द वेदर, अगला और प्यारा idiom है, टू बी अंडर द वेदर। लाइक इफ समवन इज जस्ट लाइक अंडर द वेदर मीन्स टू फील अ लिटिल बिट सिक, मतलब बीमार फील करना, एंड योर बॉडी इज नॉट परफॉर्मिंग वेल। इफ आई एम सेइंग लाइक आई फील अंडर द वेदर टूडे, आई कॉन्ट गो टू वर्क, लाइक अगर मैंने बोला कि आज मैं फील कर रहा हूँ कैसा, अंडर द वेदर, अंडर द वेदर मीन्स क्या हो गया? लाइक मैं कुछ बीमार सा फील कर रहा हूँ, आई कॉन्ट गो टू वर्क टूडे, लाइक आज मैं वर्क पर नहीं जाऊँगा, काम पर नहीं जाऊँगा, लाइक दैट, ऐसा कुछ बोला जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, सो आगे बढ़ जाते हैं। तो मतलब अंडर द वेदर का, टू बी अंडर द वेदर का मीनिंग क्या हो गया? लाइक बीमार फील करना या बीमार होना, कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं अंडर द वेदर को। आगे बढ़ जाते हैं। अ काउच पटेटो, मतलब एक लेजी पर्सन को डिनोट किया जा सकता है। काउच, काउच मतलब सोफा वगैरह रहता है, उसके ऊपर बैठ के, काउच पटेटो।
मतलब समवन हु इज वेरी लेजी एंड स्पेंड्स मोस्ट ऑफ टाइम ऑन द सोफा वॉचिंग टीवी, मतलब कोई पर्सन जो बहुत ज़्यादा लेजी है और ज़्यादातर टाइम सोफा पे बैठ के टीवी देख के बिताता है, दैट पर्सन इज लाइक काउच पटेटो। तो काउच पटेटो क्या हो गया, एक पर ऐसा पर्सन जो सोफा पर बैठकर लाइक ज़्यादातर टाइम अपना टीवी देखता रहता है, ऐसे पर्सन को बोलते हैं काउच पटेटो। समझ आ गया ना? अपने आप से तो नहीं रिलेट कर रहा हूँ कोई, ठीक है चलो। तो काउच पटेटो क्लियर है ना, डन, समझ गए होगे सभी। चल नेक्स्ट, अब बारी आती है क्वेश्चंस की। अब हम डिस्कस करने वाले हैं सम ऑफ द क्वेश्चंस आज भी इन योर प्रीवियस ईयर एग्जाम्स। तो सभी रेडी हैं, शुरू करें। सबसे पहला जो वर्ड है बेलिजरेंट, देखो बेलिजरेंट के लिए करेक्ट सेनोनीम क्या होगा, अपने अकॉर्डिंग पिक करो अपना आंसर, पिक करो अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो बेलिजरेंट का बेसिक मीनिंग होता है झगड़ालू, अभी अभी हमने वो इमेज बेस्ड वोकैब्स में ये वर्ड किया था। और बेलिजरेंट को अगर हम रिलेट करें ना तो एंटगनिस्टिक से रिलेट कर सकते हैं, हम बिल्कुल कर सकते हैं। तो मतलब विरोधी या अपोनेंट से रिलेट कर सकते हैं, कोऑपरेटिव का तो कोई चांस है नहीं। डैंडी का मतलब होता है आकर्षक, इम्प्रेसिव, छरहरा, लाइक दैट डैंडी, डिलाइटफुल, प्यारा, मनमोहक, इसका भी कोई चांस नहीं है। आंसर आपका क्या जाएगा, थर्ड, फर्स्ट पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पैराडॉक्स, पैराडॉक्स को कैसे रिलेट कर सकते हैं, देखो और पिक करो। पैराडॉक्स मीन्स व्हाट, कैसे एसोसिएट करेंगे पैराडॉक्स को, स्पीड में पिक कर दो आंसर। पैराडॉक्स का मतलब विरोधाभास, मिथ्याभास, कुछ ऐसे। और यहाँ पे पैराडाइज, क्वेश्चन और चैलेंज का तो कोई चांस है नहीं, पैराडाइज स्वर्ग हो गया, क्वेश्चन और चैलेंज, तो बाकी ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं, तो ये क्या हो गया, पजल, पहेली से रिलेट कर गया पैराडॉक्स। तो पैराडॉक्स मीन्स हो गया पजल, पैराडॉक्स मीन्स हो गया पजल। नेक्स्ट कॉलोजल, कॉलोजल का हमें सिनोनिम चाहिए क्या होगा, फेमस, विगरस, एनर्जेटिक और इनोमस, कॉलोजल का सेनोनिम क्या होगा, देखो और पिक करो। कॉलोजल का सेनोनिम क्या होगा, फटाफट पिक करो आंसर। ओके, कोलोजल का मतलब होता है बड़ा या विशाल का है, दैट इज कॉल्ड कोलोजल। तो कोलोजल को हम सीधे सीधे इनॉर्मस से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि इनॉर्मस मीन्स बड़ा या विशाल का ही होता है। एनर्जेटिक मीन्स फुल ऑफ एनर्जी हो गया, वीगरस फुल ऑफ वीगर, ऊर्जावान, फेमस का कोई चांस नहीं है। सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन जाएगा हमारा डी वाला पार्ट, डी पार्ट हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट ग्रैंडियर, ग्रैंडियर को कैसे रिलेट कर सकते हैं हम, प्यारा सा क्वेश्चन है।
ग्रैंडियर को हम शान से रिलेट कर सकते हैं, शान शौकत लाइक दैट ग्रैंडियर। तो मैग्निफिशेंस चला जाएगा इसका सिनोनिम, क्योंकि एडमायरेशन तो एडमायर करना, तारीफ करना, प्रशंसा करना, हैप्पीनेस खुशी हो गया। और का मतलब होता है भय, AWE, भय से रिलेट करेगा, डर या भय। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट इज मैग्निफिशेंस, ए पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मोमेंटस, मोमेंटस वर्ड का सिनोनिम क्या होने वाला है, स्पीड में पिक करो आंसर। मोमेंटस का सिनोनिम क्या होने वाला है, वेरी गुड। ओके, तो मोमेंटस का मतलब होता है आवश्यक, और आवश्यक का मतलब हम रिलेट कर सकते हैं किससे, ऑफिशियल से। ज़्यादातर लोग मोमेंटस को मोमेंट से रिलेट करते हैं, और मोमेंट का मतलब लाइक क्षण पल से रिलेट कर देते हैं। मोमेंट्री का मतलब होता है क्षणिक, मतलब शॉर्ट लिव्ड से रिलेट कर सकते हैं। इनॉर्मस का मीनिंग अभी अभी मैंने बोला, बड़ा या विशाल का है। नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात, मतलब बुराई के मामले में जो फेमस है, दैट इज द नोटोरियस, कुख्यात। आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट इज वॉट, ऑफिशियल। मोमेंटस का मतलब आवश्यक, नेसेसरी होता है, और ये ऑफिशियल से रिलेट कर जाएगा आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। स्कैसिटी, स्कैसिटी को कैसे रिलेट करेंगे, इसका सेनोनिम चाहिए हमें, पॉवर्टी, अब्सेंस, इनसफिशियंसी, डिसअपियरेंस। देखो और पिक करो अपना आंसर। स्कैसिटी कई बार पूछा गया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। स्कैसिटी किससे रिलेट कर दें, स्कैसिटी का मीनिंग होता है कमी, जो बड़ी मात्रा में कमी है, इनसफिशियंसी से रिलेट कर देंगे हम स्कैसिटी को, कमी, इनसफिशियंसी। अब पॉवर्टी तो गरीबी हो गया, अब्सेंस अनुपस्थिति हो गया, डिसअपियरेंस का मतलब होता है किसी चीज का ओझल हो जाना, डिसअपियरेंस कुछ ऐसा रिलेट करेगा, तो इनसफिशियंसी वुड बी देयर आंसर आपका थर्ड पार्ट जाने वाला है। चरिस्मैटिक, चरिस्मैटिक वर्ड का आपको क्या बताना है, लाइक सिनोनिम बताना है। देखो और पिक करो अपना आंसर, चरिस्मैटिक के लिए क्या होने वाला है, स्पीड में। चरिस्मैटिक के लिए सिनोनिम क्या होने वाला है, स्पीड में पिक कर दो आंसर। चरिस्मैटिक का मीनिंग होता है लाइक कुछ भी ऐसा जो एक्सेप्शनली फैसिनेटिंग है, इसे चरिस्मैटिक भी बोलते हैं, ठीक है। सो एक्सेप्शनली फैसिनेटिंग, आकर्षक, पर्टिकुलरली पॉपुलर, कंपल्सिवली, स्ट्रेंजली हॉन्टिंग, हॉन्टिंग मतलब बाद बाद या बार बार कुछ भी याद आ रहा है, कुछ भी ऐसी बुरी घटना है जो बार बार याद आ रही है, लाइक दैट। तो चरिस्मैटिक का जो बेसिक मीनिंग होता है दैट इज एक्सेप्शनली फैसिनेटिंग, आकर्षक। अब हम करने वाले हैं डिस्कस कुछ प्रीवियस ईयर इडियम्स पे, प्रीवियस ईयर्स में आए हुए इडियम्स में होने वाला है डिस्कशन। सभी रेडी हैं, शुरू कर दें। चलिए शुरुआत कर देते हैं। एंडेड इन स्मोक, प्यारा सा वर्ड। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग एंडेड इन स्मोक, वेरी गुड। ओके, अब यहां पे टू गिव नो प्रैक्टिकल रिजल्ट, एंडेड इन स्मोक का मीनिंग क्या हो गया, टू गिव नो प्रैक्टिकल रिजल्ट, किसी भी चीज का जो कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा प्रैक्टिकली, दैट इज कॉल्ड एंडेड इन स्मोक, ठीक है। नेक्स्ट वन, ही चूजेस द लाइफ पार्टनर ऑफ हिज ओन अकॉर्ड मीन्स वॉट, willingly, unwillingly, at his desire or by forcible action, of his own accord.
क्या जाएगा आंसर? विलिंगली, खुद की इच्छा से, स्वेच्छा से, लाइक दैट. ठीक है, नेक्स्ट वन, फूल्स पैराडाइज. मोस्ट ऑफ द विलेजर्स आर स्टिल इन अ फूल्स पैराडाइज. फूल्स पैराडाइज मीन्स व्हाट? लिविंग इन इल्यूजंस, लिव हैप्पीली, टू लिव इन मिडस्ट ऑफ इडियट्स विद हैप्पी आइडियाज. क्या क्या जाएगा आंसर? फूल्स पैराडाइज. सो फूल्स पैराडाइज का बेसिक मीनिंग होता है लिविंग इन इल्यूजन, संभ्रमित रहना पूरी तरह से, इल्यूजन लाइक दैट. ठीक है, सो आगे बढ़ जाते हैं. लाइक द ऑर्डर डिस्क्वालिफाइंग द प्रमोशन ऑफ द क्लर्क इज केप्ट इन अबेंस. एबेंस को अगर हम रिलेट करें तो इसका मतलब हो जाएगा लाइक किसी चीज को स्थगित कर देना, टाल देना. इन सस्पेंशन आपका बिल्कुल अप्रोप्रिएट वर्ड जाएगा इन एबेंस के लिए. ब्लो हॉट एंड कोल्ड, दैट मीन्स व्हाट? परमानेंट, टेम्परेरी, टू बी कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, टू डेवलप. ब्लो हॉट एंड कोल्ड, क्या जाएगा आंसर? ब्लो हॉट एंड कोल्ड. अब ये अपने आप बता रहा है कुछ ऐसा जो बार बार लगातार बदल रहा है. टू बी कॉन्स्टेंटली चेंजिंग मतलब कुछ भी ऐसा जो कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, बदल रहा है, दैट इज कॉल्ड ब्लो हॉट एंड कोल्ड. टू बी कॉन्स्टेंटली चेंजिंग आंसर आपका थर्ड पार्ट जाने वाला है. थर्ड पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर. कैच वंस ब्रेथ. टू कैच वंस ब्रेथ कैसे रिलेट कर सकते हैं? कैच वंस ब्रेथ, शॉक और अमेजमेंट, मतलब स्तब्ध रह जाना, शॉक्ड रह जाना, लाइक दैट. दैट इज कॉल्ड कैच वंस ब्रेथ. शॉक और अमेजमेंट, लाइक गेट क्रैशर. अगर कोई पर्सन कैसा है, गेट क्रैशर है. गेट क्रैशर किसे बोल सकते हैं? स्पीड में पिक करो आंसर. इफ समवन इज अ जस्ट लाइक ग्रेट क्रैशर मीन्स वॉट? ग्रेट क्रैशर ऐसा पर्सन होता है जो अनइनवाइटेड गेस्ट है, उसको बोलते हैं एक्चुअल में गेट क्रैशर. दिमाग में रखना इस चीज को. चलिए नेक्स्ट, टॉकिंग थ्रू हैट. इफ समवन इज टॉकिंग थ्रू हैट मीन्स व्हाट? लाइक घमंड को दिमाग में रखते हुए बात करना, या लाइक लॉजिकलेस बातें करना, लाइक दैट. सो टॉकिंग नॉन सेंस, टॉकिंग थ्रू हैट मीन्स क्या होता है? सीधे सीधे दिमाग में रखिए, टॉकिंग नॉन सेंस. टू डिस एब्यूज वंस माइंड, टू डिस एब्यूज वंस माइंड. डिस एब्यूज करना है मतलब किसी की गलत फहमी या मिस एप्रीहेंशन को दूर कर देना, लाइक दैट. टू डिस एब्यूज वंस माइंड मीन्स क्या हो गया? टू रिमूव अ मिस एप्रीहेंशन, मतलब गलत फहमी को क्या कर देना? रिमूव कर देना, दूर कर देना. नेक्स्ट, किक द बकेट. बकेट को किक करना, अभी हम लोगों ने इमेज बेस्ड idioms में ये किया है. किक द बकेट मीन्स वॉट? बकेट को किक कर देना. एब्जॉल्व क्षमादान हो गया. कंक्लूड किल का कोई चांस नहीं है. किक द बकेट मीन्स वॉट? टू डाई. नाउ कुछ एंटोनिम्स स्पीड में कर लेते हैं बिकॉज टाइम बहुत कम है. फर्टाइल, फर्टाइल मीन्स उपजाऊ होता है. अपोजिट क्या होगा फर्टाइल का? अपोजिट क्या होने वाला है? स्पीड में पिक करो आंसर. फर्टाइल का अपोजिट क्या होगा? किससे रिलेट कर सकते हैं?
फर्टाइल का अपोजिट होगा बैरन, बंजर। फर्टाइल उपजाऊ, बैरन बंजर। एरिड मीन्स शुष्क या सूखा, ड्राई तो सूखा होता ही है, यूजलेस बेकार हो गया। नेक्स्ट फॉरबिड मना करना, स्पीड में पिक कर दो। डिसलाइक परमिट अंडरस्टैंड और लाइक डिफाई, डिफाई मीन्स चुनौती देना होता है। स्पीड में पिक कर दो आंसर। ओके सो परमिट, फॉरबिड मीन्स मना करना, परमिट स्वीकार करना हो गया। नेक्स्ट एफ्लुएंस, समृद्धि से रिलेट करेगा। एफ्लुएंट, एफ्लुएंस समृद्धि। अपोजिट क्या हो जाएगा इसका, अपोजिट क्या हो जाएगा, गरीबी, पॉवर्टी। चलिए सो होमवर्क आपके सामने है, कॉन्फिडेंट वर्ड का हमें एंटोनिम बताना है। स्क्रीनशॉट ले लो, कमेंट बॉक्स में सभी आंसर करेंगे। आज का सेशन यहीं पे होता है कंप्लीट। अगर सेशन में मजा आया हो, मजा आया यस और नो, सो दिल कहे तो एक लाइक कर देना, कमेंट करिए, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिए कैसा लगा आप सभी को सेशन, जरूर बताइएगा। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, चैनल बनाया तो सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन प्रेस कर देंगे। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट धमाकेदार से सेशन में, कुछ और मज़ेदार से एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स और स्ट्रक्चर्स के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।